नमस्कार दोस्तों, तो आज मोनू भाई के यहाँ आए हुए हैं वैक्सीन करने के लिए। भाई के कबूतर बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो एक दवाई थी उसका फ़ोटो मैं अभी लास्ट में लगा दूंगा आपके लिए, इसलिए भाई के भी कबूतर बीमार है, छाती के पास लगा देना भाई एक एक पॉइंट, कबूतर सारे सही हो जाएंगे। और भाई ने अभी नया ही सेटअप बनाया है, पहले भाई वहाँ पालते थे, अभी भी वहाँ ही पाल रखे हैं कुछ कबूतर। ये भाई की दूसरी छत है और बुडैना गांव से अपने नीटू भाई आए हुए हैं। भाई के कबूतरों का आपको बिठा के शौक कराते हैं। भाई अभी बीमार है तो ज़्यादा पकड़ने पकड़ने में परेशान हो जाता है कबूतर। ये कुछ पट्टे है भाई के इस बार के, ये नए पट्टे है भाई, 10वीं गली पास होके आए हैं। तो दोस्तों इस टाइम बीमारी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, कबूतरों का थोड़ा ध्यान रखे, पीने के पानी में मल्टीविटामिन कंटिन्यू देते रहे और खाने का भी थोड़ा ध्यान रखे भाई कबूतरों का। फिर पट्टे वाले हैं आपको मादिनों का शौक कराते हैं। मोनू भाई फरीदाबाद के चैंपियन खिलाड़ियों में से आते हैं भाई। भाई ने कंटिन्यू बाइक भी मारी हुई है। ये मादिन है भाई की, और भाई ने नए कबूतर बनाए अभी मोनू भाई ने, से सारे कबूतर इसी बार के नए हैं। और भाई अभी भाई के में बीमारी आ गई है, तो बड़ी मेहनत से बनते हैं कबूतर दोस्तों, ख़राब हो जाता तो बहुत दुख होता है, पालने वाले को पता है बनाने वाले कोई। ये मादिन देखो भाई कितनी शानदार शानदार मादिन है भाई की, क्या करे बस ख़राब ही हो गए है। और कुछ नरों का शौक करवाते हैं आपको, देखो भाई ये नर है जिनमें आ चुकी है बीमारी। पकड़ के भी शौक करवाते पर दोस्तों क्या करें, कबूतर बहुत ज्यादा बीमार है। अभी भाई बाजी उड़ाएंगे तब आप लोगों को भाई की छत से शौक करवाएंगे बाजियों की, अगर उड़ पाए तो। बाकी भाई के कबूतर इस बार बहुत ज़्यादा बीमार है, दूसरी छत चेक करी चेंज करी है भाई ने अभी। ये देखो दोस्तों ये घर का ही बच्चा भाई का, हिलन में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं कबूतर काफ़ी टाइम से। आज भाई की तरफ आना हुआ तो वैक्सीन लगा दिया भाई अभी कबूतरों को। ये कुछ बड़े पट्टे हैं जो नर बन चुके हैं, ये देखो दोस्तों ये पंजाबी नर है, पंजाबी मंद्रासी भाई पे, मंद्रासी कबूतर बहुत अच्छे हैं, पहले अपने उड़े हुए घर के पट्टे हैं सारे। और भाई का प्यार भी बहुत ज़्यादा है लोगों से, तो बनाने में दिक्कत नहीं होती आपसदारी में। भाई फरीदाबाद के सारे भाई आपसदारी में दे देते, एक दूसरे की हेल्प करते कबूतर बनवाने के लिए। ये हमारे फरीदाबाद की भाई खासियत है, कोई किसी से कबूतरों के लिए मना नहीं करता भाई, जिस पे नहीं है तो सारे भाई मिल के उसको कबूतर बनवाने की कोशिश करते हैं और बना भी देते हैं, इसलिए शायद इसीलिए प्यार है आपस में लोगों का बहुत ज़्यादा। पर भाई के कबूतर बीमार हो गए इस बार, देखते हैं बाजियाँ भी नज़दीक आ गई है सीजन, तो भाई उड़ाने वाले को ही पता होता है, वो काफ़ी टाइम से इंतजार करते रहते हैं लोग कि सीज़न आएगा कबूतर उड़ाएंगे, देखेंगे इनके पीछे ऐसे लगे हुए हैं या। अब ऐसे टाइम पर अगर कबूतर बीमार हो जाता भाई कबूतरबाज के लिए बहुत दुख होता है,
वो ही बता सकता है भाई जिसके कबूतर बीमार होते हैं। दोस्तों ख्याल रखें अपने कबूतरों का भी अच्छे से, टाइम पे वैक्सीन करते रहे, दवाइयाँ देते रहे, दड़बों की साफ़ सफाई थोड़ा ध्यान दे। आजकल धूल उड़ती है सर्दियों में, जैसे सफाई नहीं करी है लोगों ने सर्दियों के वजह से, तो उसमें क्या है धूल उड़ने लगी है। तो सबसे पहले अपने दड़बों को भाई अच्छी तरह साफ़ करें, पानी से धोए उन्हें, ताकि जो छोटे छोटे वो धूल होती है जो नाक में उनकी में ना जाए, वो जम जाती है दोस्तों, उसकी वजह से भी कबूतर बहुत परेशान रहता है। अब ये बोल तो पाते नहीं है कि हमको प्रॉब्लम क्या है, हम आप लोगों को ही समझनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो के एंड में डालूंगा दवाई, कौन सी दवाई भाई ने यूज़ करी है, आप लोग भी ट्राई करना। मैंने आपको लगा के दिखा दिया दो तीन कबूतरों पे, वो ऐसे ये कबूतरों की भाई चेस्ट जो होती है, हड्डी होती है, उसके पास में लगेगा 1 ml बस, इसको हल्का सा तिरछा लगाएंगे। एक ही पॉइंट लगेगा दोस्तों, ये दवाई ज़्यादा नहीं लगानी, छोड़ दो और वैक्सीन लगाने के बाद में इन्हें ना दाना देना है 1 घंटे तक, ना पानी पिलाना, पानी बिल्कुल नहीं पिलाना दोस्तों। उससे लिया कबूतर का पानी अगर पिला दिया तो उसकी बॉडी बहुत हो जाएगा पानी में, तो आ जाएगी कबूतर के बॉडी में। जोड़ो वाले ना, ये सारे उड़ने वाले कबूतर है भाई, और बहुत दोस्तों, ये आपको किसी भी केमिस्ट पे इजीली मिल जाएगा, इसे यूज़ करें और बताएं हमें क्या रिजल्ट है इसका।